हे गाइस वेलकम। सो अभी देखेंगे हीरा मंदी द डायमंड बाजार फर्स्ट लुक। संजय लीला बंसली का मूवी है एंड ये आ रहा है नेटफ्लिक्स पे। सो बहुत एक्साइटेड है एंड बहुत दिन बाद संजय लीला बंसली का फिर कुछ मूवी आ रहा है एंड एस आर के साथ कुछ आएगा। सुन रहा था बहुत दिन हो गया लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। इसके बीच में आ गया तो चलिए देख लेते हैं गाइस। सेट देख के ही लगता है बंसली का टास्क कुछ अलग ही है। देखो कॉस्ट्यूम। हाँ व्हाट अ सरप्राइज। माधुरी दीक्षित को ले लेता। ओह मिसमराइजिंग ब्लू। संजय लीला बंसली इज वे बियॉन्ड एवरीवन नेटफ्लिक्स सीरीज। वाह वीएफएक्स का भी अच्छा काम किया गया। लगता है पूरा पैकेज ही एक मास्टरपीस है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो सेट बना है, जो कॉस्ट्यूम है एंड कॉस्ट्यूम पे बहुत पैसा लगाया गया है देख के लग रहा है। एंड बिग बिग सेट कुछ मतलब वो जो एलिगेंट एक टच है ना संजय लीला बंसली का वो अलग ही है यार। वो किसी में ऐसे नहीं लगता है। एंड देखो यार सोनाक्षी सिन्हा को तो बहुत सारों ने देखा है। अब संजय लीला बंसली भी देखा है मतलब बाकी सबसे सोनाक्षी को कितना अलग देखा रहा है तो आप लोग गेस कर सकते हो। मतलब अनदर ब्लॉकबस्टर फ्रॉम संजय लीला बंसली ऑन नेटफ्लिक्स। सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है मनीषा कोइराला को बहुत दिन बाद दिखाई देगा। लेकिन मैंने इसके साथ साथ अगर माधुरी दीक्षित को भी थोड़ा सा दिखा देता तो कुछ अलग ही एक स्पेस क्रिएट होता। वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया। आई वॉन्ट माधुरी इन दिस वन। सो वेब सीरीज है अगला पार्ट में आ सकता है। तो इट्स अ डिमांड फ्रॉम मी टू संजय लीला बंसली है माधुरी दीक्षित को लेकर अगला पार्ट बना दे बस। सो गाइस बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।